तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग विद अभिनव देशमुख। तो आज हम देखने वाले हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। तो अब आप यहाँ पर थिंक कर रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो टी है, यहाँ पर कप ऑफ टी है, यहाँ पर ये क्यों दिखा गया। तो जी हाँ, अभी यहाँ पर देखिए नॉन मेटल्स के यहाँ पर डेफिनेशन क्या है वो हम देखेंगे। तो नॉन मेटल की डेफिनेशन है, एन एलिमेंट और सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड एज नॉन मेटल। तो यहाँ पर देखिए ये इजीली हम पता चल जाता है कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। देखिए, जो भी सब्सटेंस या फिर एलिमेंट है या फिर जो भी घटक या फिर जो भी एक पदार्थ है जो मेटल से नहीं बना है वो क्या है, तो नॉन मेटल है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, तो कप ऑफ टी का यहाँ पर क्या लिया, तो फोटो लिया, क्योंकि ये भी एक नॉन मेटल है, क्योंकि यहाँ पर मेटल का यूज़ ही नहीं है, तो इसे ये भी एक क्या है, तो नॉन मेटल है। तो चलिए अब हम पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, यहाँ पर नंबर एक, तो हम सबको पता है कि जो मेटल्स रहते हैं वो तो बहुत शाइनी दिखते हैं यानी आकर्षक दिखते हैं, पर जो नॉन मेटल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, तो डल रहते हैं, यानी कलर में उनका क्या रहता है, तो ज़्यादा शाइनी नहीं रहता, वो उनके कलर थोड़ा डल रहता है। और यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर दो, तो यहाँ पर देखिए जो नॉन मेटल्स है वो क्या रहते हैं, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं, यानी जो विद्युत है यानी इलेक्ट्रिसिटी है उसके क्या रहते, तो वो अच्छे कंडक्टर नहीं रहते, अच्छे विद्युत नहीं रहते, यानी वो अच्छे तरह से कंडक्ट नहीं करते किसको, तो इलेक्ट्रिसिटी के। और वैसे ही वो क्या रहते, तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के रहते हैं, यानी जैसे वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के वैसे ही उष्णता के भी वो क्या है, तो खराब कंडक्टर है। तो यहाँ पर देखिए अब हम प्रॉपर्टी नंबर चार देखेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर चार ऐसे है कि जो नॉन मेटल्स है उनकी जो डेंसिटी रहती है वो क्या रहती है, तो लो रहती है। और देखिए जो मेटल्स की जो डेंसिटी रहती है वो क्या, तो क्या रहती है, तो सबसे ज़्यादा हाई रहती है, और यहाँ पर लो रहती है डेंसिटी यानी घनता। जो घनता रहती है वो क्या रहती है, तो लो रहती है, किसकी, तो नॉन मेटल्स की। अब हम देखेंगे यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर छः की, तो देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स है वो क्या रहते हैं, तो उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या रहता है, तो बहुत कम रहता है। और इसका ऑपोजिट यानी कौन, तो मेटल, मेटल में क्या रहता है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट रहती है वो क्या रहती है, तो सबसे ज़्यादा रहती है, हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, तो मेटल्स में। तो ये तो एक प्रॉपर्टीज किसके, तो नॉन मेटल्स के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।